अम्बाला पहुंचे आम आदमी पार्टी दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हरजिंदर पाल गौतम ने किया दावा कि अगर विधानसभा चुनाव में हरियाणा से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तरह बिजली और पानी की दरों में की जाएगी कमी, साथ ही किसानों का कर्ज भी होगा माफ। पठानकोट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायती चुनाव भी हुआ हाईटेक। सरपंच और पंच पदों के उम्मीदवार इस बार पोस्टरों और वोट अपील के साथ साथ सोशल मीडिया का कर रहे हैं इस्तेमाल। उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक। वित्तीय वर्ष 2018-19 की जिला योजना में 42.11 करोड़ के परिव्यय का किया अनुमोदन। 60% धनराशि चालू वर्ष और 40% धनराशि नवीन योजना के लिए की गई स्वीकृत। यमुनानगर में भाजपा सरकार के केल से लेकर कलानौर तक नेशनल हाईवे 73 का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन, लेकिन इस हाईवे को बनाते समय एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाने में बहुत सी खासी कमियां छोड़ दी हैं, जिसको लेकर गांव वासियों ने कई बार स्थानीय अधिकारियों से लेकर केंद्र सरकार तक लगाई गुहार, लेकिन प्रशासन ने उनकी फरियाद को किया दरकिनार। जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार तापमान में आ रही गिरावट के बाद गंगोत्री और हर्षिल घाटी में गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक जमकर हुई बर्फबारी। वहीं नए साल पर सैलानियों को बर्फ का दीदार करने को मिलेगा। वहीं ट्रैकर भी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही 12 महीने ट्रैकिंग खुला रखने की भी मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को गंगोत्री धाम का अधिकतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -13 डिग्री मापा गया। इंद्री में 8वें दिन भी जारी रहा किसानों का धरना। किसानों ने सरकार व मिल मालिक के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार की नीतियों की जनता से पोल खोलने के लिए शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालने और गन्ने की होली जलाने जैसे प्रदर्शन की दी चेतावनी। अम्बाला में बीते अक्टूबर माह में ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तब से लेकर अभी तक किसानों को उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल सका है, जिसके चलते किसान हर हफ्ते धरना देने डीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पर दी जा रही अगली तारीख। किसानों ने धरने को किया अनिश्चितकाल और कहा कि वे मुआवजे राशि लेकर ही जाएंगे, नहीं तो मारेंगे या मरेंगे।